अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी ई कॉमर्स से रिलेट करता है, और बेसिकली न्यू टॉपिक है, कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग से है बिल्कुल। मेनली अभी तक जो हमने इससे प्रीवियसली जितने सारे किए हैं वो असल में मेन कंप्यूटर था, लेकिन मेन कंप्यूटर ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी ई कॉमर्स में बेसिकली काम करती हैं। HTML हो गया है, JavaScript हो गया है। JavaScript की तो सिर्फ हमने खैर इंट्रोडक्शन की है, HTML हमने काफ़ी डिटेल से किया है, और उसके जो टैग्स थे वो हमने एक एक करके वीकली वाइज डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ई कॉमर्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट वीक्स में जो है ना डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स की डिफिनेशन क्या है, ई कॉमर्स है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक ई मीन इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स जो हम अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं ऑनलाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लफ्जी मायनी है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइज वे में जो है ना आप क्या करते हैं, अपना बिजनेस को स्ट्रक्चर फॉर्म में ला रहे होते हैं, उस स्ट्रक्चर में जो है ना आप अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं और फंडामेंटल बेसिक फैसिलिटीज होती है जो आपके फंक्शनैलिटी या प्रोसीजर्स फर्म को या आपके बिजनेस को जाके सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है एंड फंडामेंटल फैसिलिटीज होती है जो कि आपके फर्म की फंक्शनैलिटी को जाके सपोर्ट कर रही होती है। फर्म की फंक्शनैलिटी मीन आपकी फर्म जिस तरह रन हो रही है, उसमें जितने फंक्शंस ऑपरेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को जो है ना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर। हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है ना क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो कि सपोर्ट करती है कस्टमर्स को, जो आपकी आप बिजनेस चला रहे हैं आपके जो कस्टमर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कस्टमर्स को भी सपोर्ट करती है, और आपके जितने उस बिजनेस के फंक्शंस प्रोसीजर्स है उसे भी जाके जो है ना जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं आपकी ई कॉमर्स में या आपकी जो बिजनेस है प्रोसेसेस प्रोसीजर उन्हें भी जाके जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें जो है ना फैसिलिटीज आ जाते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज आपकी जितने हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो गए हैं, सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, या आगे जाके पड़ेगी भी डेट कौन कौन सी चीजें आपके ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो करती है, सपोर्ट करती है। अच्छा, इसमें जो है ना स्टाफ आ जाता है, इसमें आपकी सॉफ्टवेयर आ सकती है जो कि आप सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के लिए जो यूज कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट्स हो गए हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्टाफ बैठे हैं घर में, आप फॉर एग्जांपल वो रन कर रहे हैं, आया आपके लिए इतना वो स्पेस है जिसके लिए आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए जाके सामान रख सके, और जो प्रोसेस है टू सपोर्ट ऑल द फंक्शन एरियाज ऑफ योर फंक्शन, और इसमें जो है ना और सारे प्रोसेस आ जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं जितनी भी फंक्शनल एरियाज है आपके बिजनेस को उन सबको। ठीक है, चूजिंग द करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैच योर बिजनेस स्ट्रेटजीज इनेबल योर ऑपरेशन टू रन एफिशिएंटली। अच्छा, करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करने का फायदा क्या होगा जो कि आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ मैच हो रहा हो? तो वो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, या आपकी जो प्रोसीजर प्रोसेसेस होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उसे एफिशिएंटली रन करता है। ठीक है, अगर गलत इनकरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो फिर तो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह हो कि वो आपने एक जैसे बनाया हो और आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ वो मैच ना हो रहा हो, तो फिर तो जो है ना जो आपके प्रोसेस ऑपरेशंस वगैरह है तो फिर तो वो टोटली जाके इनएफिशिएंट हो जाते हैं उसकी रनिंग। ठीक है, कन्वर्सली इफ एन एलिमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मैचिंग की बात हो रही है विद योर स्ट्रेटजी, अगर कन्वर्सली हम चुनाचे अगर हम देखें दैट आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एलिमेंट है वो मैच नहीं हो रही आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, ठीक
तो यू विल लाइकली फील द पेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस. तो उसमें फिर जो है वो क्या आ जाता है, जलील और ख्वार होना पड़ता है. ठीक है, आपको हर दिन जो है पेन से गुजरना होता है. कभी एक चीज में मसला आ रहा होता है, कभी दूसरी चीज में मसला आ रहा होता है. ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि जो बिजनेस आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो उसके साथ आपकी करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, अदरवाइज आप काफी हद तक सफर होंगे. फिर टिपिकली ई-कॉमर्स बिजनेस ट्राई टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, जो ई-कॉमर्स बिजनेसेस है वो मेंटेन रखती है किस चीज को, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में. और ये क्यों, टू कीप फिक्स कॉस्ट लो, अपने कॉस्ट को लो रखने के लिए. ठीक है, और इसके साथ साथ दे आर एबल कि वो जाके क्विकली रिएक्ट करें मार्केट चेंजेस में, दैट मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग जो है रेट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और जो कम्पिटेटिव प्रेशर आ रहा होता है दूसरी कंपनियों के साथ, तो उसे भी जाके जो है ना अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्लेक्सिबिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है तो उसके बेस पे जो है ना ये लोग फिर क्विकली रिएक्ट भी कर सकते हैं कम्पिटेटिव प्रेशर की तरफ. ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं अ की इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन इज वेदर टू आउटसोर्स. आउटसोर्स के पहले अंडरस्टैंड कर दैट आउटसोर्स कहते किसे हैं. आउटसोर्स बेसिकली डेफिनेशन इसका है टू गेट वर्क डन बाय मेकिंग अ कॉन्टैक्ट या मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी टू डू इट. ठीक है, मतलब इसमें एक आउटसोर्स में ये होता है कि आप दूसरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके अपने काम करने के लिए. ठीक है, और वो दूसरी कंपनी जो है आपकी अपने मुल्क में भी हो सकती है और दूसरे मुल्क में भी हो सकती है. ठीक है, तो जो की इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है वो ये है कि वेदर आप दूसरे कंपनी से अपना काम करवाना चाहते हैं या आप खुद सारे ऑपरेशन को अपने घर में प्रोसेस करना चाहते हैं. ठीक है, मैनेज करना चाहते हैं या प्रोसेस करना चाहते हैं. ठीक है, ये ऑपरेशन जो है प्रोसीजर्स भी जितने हुए हैं प्रोसेस जितने हैं. ठीक है, वो सारे इसमें ऑपरेशंस में आ जाते हैं. अच्छा, मोस्ट ई कॉमर्स बिजनेसेस आर स्मॉल. अगर आप जितने भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह देखें तो वो काफ़ी स्मॉल होती हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 एम्प्लॉयज़ होते हैं या 25 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं. ठीक है, जिसमें वो इंटरनेट को भी चला रहे होते हैं, ये जो ऑनलाइन हम ऑर्डर देते हैं उसे भी जो है ना वो कर रहे होते हैं सारा सीक्वेंस वाइज, और इस तरह डिलीवरी की जो है ना एम्प्लॉयज है उनके साथ डिलीवरी के एम्प्लॉयज होने चाहिए. इसके अलावा जो पैकिंग वगैरह का और सीक्वेंस वाइज सामान को रखने के लिए, तो ये तकरीबन 25 एम्प्लॉयज इस तरह पूरे हो जाते हैं. इफ़ यू लुक एट all the functional areas of the business that must be managed on a daily basis, agar hum dekhe un sari functional areas of the business ko jo ki must manage ho on a daily basis, to sometime ye possible nahi hota, it will be hard to find and afford and in house staff with all the skills required to be successful. to ye kafi mushkil ho jata hai ki aap jaake find kare aur afford kar sake कौन से लोगों को, इन हाउस स्टाफ को जिनके पास वो सारी स्किल्स हो जो कि आपके काम आपके बिजनेस के काम को डेली बेसिस पे सक्सेसफुली मैनेज कर सके. व्हेन डिसाइडिंग ऑन योर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन बी श्योर टू एवेल्युएट व्हाट योर कोर स्ट्रेंथ आर. जब आप डिसाइड करते हैं बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके ऑपरेशंस को, तो इसमें जो है ना आपने ख्याल क्या रखना होगा, आपने अपने आप को असेस करना होगा, आपने अपने आप को एवलुएट करना होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप क्या चला सकते हैं. आप शूज की बिजनेस चला सकते हैं, आप क्लोथ्स की बिजनेस चला सकते हैं, आप कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की वो चला सकते हैं, आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बिजनेस चला सकते हैं. तो आपने क्या करना होगा, आपने अपने कोर स्ट्रेंथ को देखनी होगी. ठीक है, क्या करना होगा, नो व्हाट यू डू वेल, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं
एंड आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट यू डोंट डू वेल, आप क्या चीज अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों चीजें जो है ना, दोनों पॉइंट व्हाट यू डू वेल एंड व्हाट यू डोंट डू वेल, दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लुक टू आउटसोर्स पार्ट टाइम एक्टिविटीज, जो आउटसोर्स पार्ट टाइम एक्टिविटीज है, जो काम आप दूसरी कंपनी से करवाना चाहते हैं, और वंस दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स और स्पेशलाइजेशन। इसमें आपने ये भी देखना होता है कि आप किस चीज़ को देखें, आउटसोर्स पार्ट टाइम एक्टिविटीज को जो कि आपके लिए दूसरी कंपनियां कर रही है, दूसरी कंपनी कर रही है। और अच्छा, आउटसोर्स का मैं आपको ये भी एग्जांपल दे सकता हूँ, आउटसोर्स फॉर एग्जांपल दराज है, तो दराज पे आप लोग देखें डिफरेंट कंपनीज ने जो है ना अपनी वो प्रोडक्ट दी हुई है और वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, दूसरी कंपनी जो है ना, दूसरी कंपनियां वो क्या कर रही है, आउटसोर्स एक्टिविटीज को यूज कर रही है, दूसरी कंपनी पे जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को सेल करा रही है, मतलब दराज के थ्रू क्या हो रहा है, उन दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो ये आउटसोर्स एक्टिविटीज की एक अच्छी एग्जांपल है। और वंस दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स और स्पेशलाइजेशन, तो आपने क्या करना होता है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस आपने आउटसोर्स पार्ट टाइम एक्टिविटीज को भी देखना होता है और उन काम को भी देखना होता है जो कि हाई लेवल ऑफ स्किल्स और जहां हाई लेवल ऑफ स्किल्स और स्पेशलाइजेशन भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसमें अब ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना सबसे पहले आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है हर चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही जो है ना आपके प्रोडक्ट्स का पता लगता है दूसरे लोगों को, एडवर्टाइजमेंट करना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गई है, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट हो गई है, चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट हो गई है, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट हो गई है, दूसरों तक ग्रुप्स में एडवर्टाइजमेंट हो गई है, तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा एक खास एलिमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, टू सक्सीड योर वेबसाइट मस्ट बी फाउंड। ठीक है, अच्छा, अपने बिजनेस को सक्सीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इतनी ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत होगी दैट लोगों को आपके वेबसाइट का पता चल जाए, आपके बिजनेस के वेबसाइट का या आपकी जो लिंक्स है विजिट करने के लिए। वंस विजिटर्स आर ऑन योर साइट, एक मर्तबा जो विजिटर्स है वो आपके साइट पे आ जाते हैं, आपने फिर क्या करना होगा, यू नीड टू कीप देम देयर, आपने फिर उन्हें अपने वेबसाइट पे जो है ना रखना होगा, मतलब ये है, रखने से मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि एक मरतबा वो आ जाए और वेबसाइट देके वापस चला जाए, आपने फिर उन्हें वहां पे होल्ड करना होगा एंड कंपेल करना होगा कि वो जाके आपके उस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बेस पे जाके आपके वेबसाइट से कुछ बाय कर सके। ठीक है, कंपेल करना, इंड्यूस करना, फोर्स करना, दैट इज द जॉब ऑफ योर मार्केटिंग टीम। और ये किसका काम होता है, ये आपकी मार्केटिंग टीम का काम होता है। Whether it's a website design, इसमें website design के थ्रू अगर marketing team कर रही हो, marketing आपकी business के या social media के थ्रू या search marketing के थ्रू या merchandising, merchandising जो है किसे कहते हैं, everything you do to promote and sell your product once the potential customer is in your store. ठीक है, merchandising इस तरह करते हैं, जब एक मर्तबा customer क्या है वो आपके store आ जाता है तो आप क्या करते हैं, आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं एंड सेल करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इसे मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ईमेल के थ्रू हो गया है मार्केटिंग या अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गई है, ये सारी चीजें किस चीज में आती है, मार्केटिंग में आती है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा क्लास वन, क्योंकि स्लाइड्स कम है तो 10 स्लाइड्स में फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड जो रेस्ट ऑफ थ्री इज थ्योरी, तो 9 स्लाइड इज डिवाइडेड इनटू 3 लेक्चर्स। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 3 लेक्चर्स सेकंड लेक्चर में होंगे एंड वीक 12 के, एंड 3 लेक्चर्स लेक्चर 3 में होंगे वीक 12 के।